नमस्ते, आई एम देवीन सोनमा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ टॉपिक फ्रॉम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग विच इज सज़ागी'स थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन। सज़ागी गेव अ थ्योरी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास सब्जेक्टेड टू अ स्टैटिक स्टेडी लोड। तो सज़ागी ने क्या किया, एक कंसोलिडेशन थ्योरी दी, ठीक है, एक थ्योरी दी, किसके लिए दी, रेट ऑफ कंसोलिडेशन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो सज़ागी ने क्या कहा कि एक कोई सैचुरेटेड सॉइल मास है जिसपे क्या लग रहा है, स्टैटिक और स्टेडी लोड लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या रेट ऑफ कंसोलिडेशन होगा, उसके लिए उसने एक थ्योरी प्रेजेंट की। उसने क्या किया, सबसे पहले कुछ अजम्पशन किए उस थ्योरी को समझाने के लिए, उस रेट ऑफ कंसोलिडेशन को डिटरमाइन करने के लिए उसने क्या कहा कि कुछ अजम्पशन अप्लाई किए उस थ्योरी पे। क्या था कि सबसे पहला सॉइल जो है होमोजेनियस होगा, नेक्स्ट सॉइल जो होगी वो फुल्ली सैचुरेटेड होगी, ठीक है, सॉइल सॉलिड पार्टिकल और जो वाटर है वो क्या होंगे, इनकम्प्रेसिबल स्टेट में होंगे, फ्लो जो होगा वो वन डायमेंशनल होगा, डार्सी लॉ क्या होगा, हर एक पॉइंट पे वैलिड होगा, जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, ठीक है, के जो है और जो एम वी है वो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, दैट मींस कि जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। तो यूनिक रिलेशन एक उसने क्या किया, यूनिक रिलेशनशिप दिया किस किसके बीच में, वॉइड रेशियो इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में, उसने क्या कहा ये जो रिलेशनशिप है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो उसने क्या किए, ये अजम्पशन दिए सज़ागी ने, हमको क्या दिए, ये सारे अजम्पशन दिए रेट ऑफ कंसोलिडेशन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। बट अगर हम इसको किससे कंपेयर करें, हमारी एक्चुअल फील्ड प्रॉब्लम से अगर हम कंपेयर करें, तो हमारे पास क्या पॉइंट्स निकलते हैं अजम्पशंस के बेसिस पे, हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ये सारे अजम्पशंस की, मैं एक बार में बात करना चाहूंगी कि जितने भी अजम्पशंस उसने सज़ागी ने दिए, तो सज़ागी के अजम्पशंस के अकॉर्डिंग अगर हम फील्ड के किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात करें, तो वो सारे अजम्पशंस जो हैं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होते किसी भी फील्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। तो सबसे पहले जो सॉइल होमोजेनियस, फुल्ली सैचुरेटेड, सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर इनकम्प्रेसिबल है, इनके बारे में बात करते हैं, इन तीन अजम्पशंस के बारे में। ये जनरली क्या करते हैं, सेटिस्फाइड तो है किसी भी एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, ठीक है, लेकिन कभी भी कोई भी सॉइल हम कहते हैं कि 100% सैचुरेटेड नहीं होती, उसमें क्या होता है, कुछ परसेंट ऑफ एयर वॉइड होते हैं। तो उन कुछ परसेंट ऑफ एयर वॉइड की वजह से, उस प्रेजेंस ऑफ एयर की वजह से क्या होगा, हमारी जो भी एक्यूरेसी है वो हमारी अफेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है कि फ्लो जो होगा वो वन डायमेंशनल होगा, तो कभी भी जो भी हम कंसोलिडेशन की कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर हम कंसोलिडेशन की प्रोसेस करने जाए, तो वहां पर कभी भी जो भी कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन की प्रोसेस से जो भी एक्सपल्शन ऑफ वाटर होगा, वो क्या होगा, कभी भी वन डायमेंशन नहीं होता, वो थ्री डायमेंशनल होता है, हर डायमेंशन में या किसी भी डायरेक्शन से क्या हो सकता है, उसमें वाटर का एक्सपल्शन हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये अजम्पशन था फ्लो इन वन डायमेंशन, वो भी वहां पर फुल्ली सैटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, डार्सी लॉ इज वैलिड एंड के एंड एम वी रिमेन कॉन्स्टेंट। इनके बारे में बात करूं तो जो डार्सी लॉ है, अगर मैं किसी लो, वेरी लो ग्रेडियंट वाली सॉइल के बारे में बात करूं, तो वहां पर डार्सी लॉ स्ट्रिक्टली नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। और मैं बात करूँ के और एम वी के बारे में, तो अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे कि इसने क्या कहा कि कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि मेरे जो भी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो सॉइल के किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, किसी भी डायरेक्शन में क्या है, वो इक्वल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सज़ागी हमारे पास क्या है कि जो के एक्स है वो इक्वल है के वाई के, वो इक्वल है के जेड के, ठीक है, यही हमने बोला, सॉरी के एक्स इक्वल्स टू के वाई इक्वल्स टू के जेड, यही हमने बोला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि कभी भी जो हमारी कोई भी सॉइल होती है उसमें कभी भी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता,
क्योंकि हमारे पास जो भी सॉइल है ठीक है, तो वो सॉइल क्या होगी, मान लीजिए ये मेरी डायरेक्शंस हैं, ये ऐसे इसी तरह बनाते हैं, मान लीजिए ये मेरी जेड डायरेक्शन है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है, और ये मेरी क्या है एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टजाकी तो क्या है, के एक्स इक्वल टू के वाई इक्वल टू के जेड है, ठीक है। यानी इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, जो भी परमिटिविटी हो रही है वो इक्वल है। लेकिन इन एक्चुअल जब भी हम फील्ड की बात करेंगे तो हमेशा जो भी हमारी कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी होता है वो हर एक पॉइंट में, जो भी डिपॉजिट है उसमें हर एक पॉइंट में अलग अलग ही निकलता है, कभी भी सेम नहीं होता है। तो जो उसने ये लॉ दिया था उसके, ये भी वहां पर क्या होता है, फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या दिया, एक ये लॉ दिया कि जो एक यूनिक रिलेशनशिप उसने दिया, उसने कहा कि वो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा कि ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो भी हमारी सॉइल होती है ठीक है, कभी भी सॉइल में जब भी हम वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें तो वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है, हमेशा किसी को कभी भी कंपलसरी नहीं है कि वो क्या हो, लीनियर कंडीशन में ही है, हमेशा वो क्या होता है, नॉट लीनियर होता है इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज